हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में द ग्रीन वर्ल्ड। और फ्रेंड्स, द ग्रीन वर्ल्ड में आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्लांट की जो कि बच्चों का बेहद फेवरेट है, तो ये आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल का जो है वो घंटे का बटन दबा दें। तो आज हम बात करेंगे बच्चों के इस फेवरेट प्लांट के बारे में जिसका नाम है क्रिसमस ट्री। इसे हम अरुकेरिया भी कहते हैं और इसे मंकी पजल ट्री भी कहते हैं। तो ये प्लांट बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। ये अक्सर पहाड़ों का ये जो है वो प्लांट है, आपने देखा होगा ऐसे पाइन के शेप में ये रहता है, तो इसीलिए। लेकिन चूँकि हम यहाँ अर्बन गार्डनिंग करते हैं, गमले में लगाते हैं, तो कुछ बातों का ध्यान यदि हम रखें तो हम इस प्लांट को अच्छे से सालों साल गमले में चला सकते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरा एक ये दूसरा मंकी पजल ट्री है जो क्रिसमस ट्री है, और इसे हमने लगभग 12 इंच के इस गमले में रखा हुआ है। पहले ये मिट्टी के गमले में था, अब इसे हमने सिरेमिक में ट्रांसफ़र कर दिया है, रिपॉट कर दिया है। तो क्या है वो कुछ बातें, वो हम समझ लें। तो सबसे पहले जब भी हम बात करें कि हमें पानी इसको कैसे देना है, तो ये हमें ध्यान रखें क्योंकि ये मॉइस्ट लविंग प्लांट है, इसको पानी तो चाहिए लेकिन पानी बहुत ही कम मात्रा में, मतलब एक ऐसा पानी दें कि ये पानी निकल जाए, जो आपका गमला है उससे पानी वो पास करके निकल जाए। और पानी हमेशा मिट्टी को चेक करके भी हम देख लें कि वो बहुत ज़्यादा गीला तो नहीं है। इसीलिए पानी का ध्यान रखते वक्त हमें एक साल तक थोड़ी इसकी केयर करनी होती है, उसके बाद ये खुद एडजस्ट हो जाता है। अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं धूप की। बिल्कुल ये इंडोर प्लांट तो है, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल नहीं कि हम इसको धूप में ना रखें। तो शुरू की जो सुबह की, ये अभी सुबह की धूप है, 2-3 घंटे की धूप यदि आप रखते हैं तो ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। लेकिन धूप के वक्त ये थोड़ा ध्यान रखें कि सिर्फ एक ही तरफ धूप ना मिले, लीव्स को, प्लांट को, गमले को थोड़ा आप घुमाते रहें ताकि चारों तरफ से इसे अच्छी खासी धूप मिल जाए। अब हमें देखना है कि हम किस तरह के इसमें इसको सॉइल दें, जो इसकी मिट्टी है वो कैसी मिट्टी होनी चाहिए। तो मिट्टी के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना है क्योंकि ये मॉइस्चर लविंग तो है, लेकिन मिट्टी वैसी होनी चाहिए जिसमें पानी जो है वो आसानी से निकल जाए, पानी देर ठहरे नहीं, नहीं तो ये गला देता है रूट को। तो मिट्टी में ज़्यादा से ज़्यादा बालू होना चाहिए, थोड़ा आप खाद डाल सकते हैं और उसके बाद ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है। तो यदि हम इन कुछ बातों का ध्यान रखें तो ये बहुत अच्छे से चलने वाला प्लांट है, जो बिल्कुल बिना परेशानी किए, और इसकी हाइट बहुत बहुत ऊंची होती है। तो आपने देखा ही होगा पहाड़ों में कि ये कितने ऊंचे तक जाता है, लेकिन जब हाइट ऊंची जा रही है तो हम चूँकि गमले में रखते हैं तो हम बहुत ज़्यादा वो बड़ा होता ही नहीं है, तो इसीलिए इन कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो मिट्टी है वो हमने मिक्स करके रखा है, इसमें थोड़ा खाद, घर का खाद मिक्स करके बनाया हुआ है और कुछ फर्टिलाइज़र भी इसमें डाला हुआ है। ये 3 से 4 महीने के पहले ही हमने लाया था, पहले ये मिट्टी के गमले था, अब ये हमने सिरेमिक पॉट में डाल दिया है। तो सन के बाद, सन हमने आपको बता ही दिया है, इनडोर प्लांट आप बिल्कुल इसको रख सकते हैं, लेकिन इनडोर में ये ध्यान रहे कि बहुत लंबे समय तक ऐसा ना है कि ये अंधेरे में किसी कोने में रहे, तो इसीलिए ये आप थोड़ा ध्यान रखें। विंटर में इसको थोड़ा ये सो जाता है, तो इसलिए विंटर में हम इसे पानी बिल्कुल ना दें, मतलब दे भी तो 25 दिन में दें या 20 दिन में दें, बहुत ज़्यादा इसको पानी बिल्कुल विंटर में नहीं चाहिए। तो ये आप देख रहे हैं, ये इतने बड़े गमले में ये है और ये काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। इसीलिए जब हम लोग नर्सरी से इसे लेके आए थे तो पहले हमने मिट्टी के गमले में ही इसे 2-3 महीने छोड़ दिया, उसके बाद फिर इसे सिरेमिक पॉट में हम अभी, तो अभी हमने इसे घर में नहीं रखा है इंडोर करके, बाद में रखेंगे विंटर में, यदि बहुत ज़्यादा ठंड बाहर यदि लगी तो फिर हम इसे अंदर रख लेंगे। तो अब विंटर में पानी कैसे दें, ये भी धूप देख सकते हैं, सुबह की ये वाली धूप आप इसे दिखा सकते हैं। अब पानी की बात करें तो विंटर में पानी नहीं देंगे तो ऐसा नहीं चलेगा, तो आपको जड़ों में पानी नहीं देना है, बल्कि जो इसकी लीव्स है वहाँ पे आप थोप इस तरह से ऐसे स्प्रिंकल कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा दे सकते हैं कि थोड़ा उसको मॉइस्ट मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, साथ में एक बात और ध्यान की कि इसको प्रूनिंग नहीं करना है, जैसे हम दूसरे प्लांट की थोड़ी कटिंग कर देते हैं ना, इसको कटिंग नहीं करना है, बल्कि इसको ऐसे ही इसकी ग्रोथ जो है वो होती रहेगी। तो और फर्टिलाइज़र में आप घर का बना इसको खाद दे सकते हैं और ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है, बच्चों का फेवरेट है और मेरा भी फेवरेट है। तो ये ऑल अबाउट
क्रिसमस ट्री, ये जानकारी आज थी क्रिसमस ट्री के बारे में। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।